हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DRDO में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहां पे फ्रेशर्स के बी बीटेक एमटेक के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम यहां पे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे जो DRDO है उसका एक सेक्शन है जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत, जो RCI के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो इसके रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ हमने अपने चैनल में बहुत सारे वीडियोस DRDO से, ONGC से, OIL से बहुत सारी वीडियोस जो है अपलोड कर रखे हैं, जहाँ पे हमने आप करंट अफेयर से लेके, जनरल नॉलेज से लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री टेक्निकल के, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रखे हैं। ये सारे वीडियोस जो है चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DRDO के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे पोस्ट जो है आपका रिसर्च जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 15 है, यानी कि 15 है। जिसमें बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की 15 सीट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की 4 सीट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कैंडिडेट की 4 सीट, मैकेनिकल की 4 और कंप्यूटर साइंस की 4 और कंप्यूटर साइंस की 2 और जो केमिकल इंजीनियरिंग है उसके लिए 1 सीट यहाँ पे रखी गई है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इसमें जो है BE/BTECH के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट हैं अगर BE/BTECH कर रखा है तो उनके पास नेट का स्कोर होना ज़रूरी है, या फिर गेट या फिर SSLET जो होता है वो होना ज़रूरी है, तब जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने BTECH MTECH कर रखा है तो आपके लिए कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका गेट स्कोर होना चाहिए, आपके लिए बशर्ते EEE EEE जो भी है, जो ब्रांच है उसमें आप जो है एलिजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है 28 साल रखी गई है मैक्सिमम एज लिमिट, बाकी जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप जो है विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग थोड़ी देर में, तो आप जो है वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन यहाँ पे बात करें इम्पॉर्टेंट डेट की, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म का जो एडवर्टीजमेंट डेट था वो 10/6/2019 था। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट होगा आपका 17 जून 2019, और इसकी क्लोजिंग डेट जो रखी गई है 10 जुलाई 2019 के बीच में, जिसकी क्लोजिंग डेट रखी है रजिस्ट्रेशन करने की, तो इसके बीच में जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी जो है ये फॉर्म एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आने वाले कुछ दिनों में जो ये फॉर्म अपलोड हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो है डायरेक्ट मैं आपको साइट पे ले गया हूँ, इनकी साइट पे, जहाँ पे ये इसके बारे में सारी चीज़ें दिया गया है कि RCI बेसिकली है क्या, तो इसके रिगार्डिंग आप जान सकते हैं। ये बेसिकली एक लेबोरेटरी है फॉर द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी DRDO के लिए, जिसमें मिसाइल्स, नेविगेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो उसका रिसर्च सेंटर इसमें जो है ये वैकेंसीज क्रिएट हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आशा करता हूँ आपको हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आया है। तो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल में बहुत सारे वीडियोस जो हैं अपलोड हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देखें। आज के लिए बस इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।